नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों पुष्पा 2 की शूटिंग के लिए हैदराबाद में बिजी है। उन्होंने मंगलवार को अपनी आने वाली फिल्म एनिमल के बारे में बताया, जिसकी शूटिंग सोमवार को पूरी हुई है और जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी रेंगा ने किया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में एनिमल के बारे में भावुक नोट लिखा है। उन्होंने लिखा, डायरी डायरी आज हम्मा नहीं कैजुअली, कल रात मैंने नाइट शूट किया और मैंने शूटिंग पूरी की, हैदराबाद वापस आ गई और आज रात से पुष्पा 2 की शूटिंग शुरू करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहती हूं कि एनिमल के सेट पर काम करके मुझे कितना अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि यह फिल्म उन्हें अचानक मिल गई, जितना यह अचंभित करने वाला था उतना ही वह एनिमल को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने फिल्म के लिए 50 दिन से ज़्यादा शूट किया है और अब शूटिंग पूरी हो गई है तो एक खालीपन सा है। सेट पर मैंने जिनके साथ काम किया पूरी टीम इतनी प्रोफेशनल थी और इसके बावजूद इतनी नरम दिल की थी कि मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं उनके साथ हजार बार काम करना चाहूंगी और फिर भी मुझे खुशी होगी, उनके लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहेगी। रश्मिका ने फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि कल को फिल्म या फिल्म में उनकी एक्टिंग यदि लोगों को पसंद आती है तो इसका पूरा श्रेय डायरेक्टर को जाता है। उन्होंने अपने साथी कलाकार रणवीर कपूर के बारे में कहा, वह पहले उनके साथ काम करने को लेकर सुपर नर्वस थी लेकिन भगवान ने उन्हें परफेक्ट बनाने में पूरा समय दिया, वह ब्रिलियंट एक्टर और अमेजिंग इंसान है। एनिमल के सेट से लीक फोटो के बाद दर्शक रश्मिका और रणवीर की नई जोड़ी को फिल्म में देखने के लिए उत्साहित है। एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। उन्होंने अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर की भी जमकर तारीफ की। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।